आज हम लोग बना रहे हैं लड्डू। आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा वाला लड्डू बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने काजू और बादाम को पीस लिया है और ये रहा हमारा रागी का आटा। और अभी मम्मी जो जो करेगी स्टेप हम आपको दिखाते हैं। हम थोड़ा ही आज ट्रायल के लिए ना रवे के लड्डू की तरह इसको बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ही बना रहे हैं। ये हमने लिया है काजू और बादाम लिया है आधा कप। और ये रागी का आटा कितना ले रही हो? ये एक कप ले रही हूँ। गाइस इसको हम लोग एकदम अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि कम बना रही हूँ इसीलिए मैं तवे पे ही बना ले रही हूँ, मेरी कढ़ाई में भाजी रखती हूँ। इसको हम लोगों ने ना हल्का हल्का गोल्डन करना है खाली, बस ज्यादा नहीं पकाना है। गाइस देखिए हमारे काजू बादाम गोल्डन हो चुके हैं, उनको बाहर निकाल लिया है। अब जो रागी का आटा होगा उसको हम लोग तवे में डाल देंगे और हम लोग घी भी डालेंगे। घी कितना डालोगी मम्मी आप? डिपेंड करता है, डलते जाएगा और बनते जाएगा, मुझे नहीं पता कितना डालना। देखिए आप अपने हिसाब से डाल लेना आप कितना घी खाते हो। लड्डू बंधना चाहिए इतना तो घी होगा। हाँ उतना घी तो डालना ही पड़ेगा कि लड्डू अच्छे से बंध जाए। बहुत बार तो ये पकने के बाद बांधते टाइम पे भी घी बढ़ाना पड़ सकता है। एकदम स्लो आंच के ऊपर इसको भूनते रहना है। देखिए घी की जरूरत पड़ गई है तो अब और घी डालना पड़ रहा है। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके डालते जाना जिससे पता चल जाएगा कितनी जरूरत है कितनी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जरूरत पड़ेगी। अभी तो गाइस मम्मी को लग रहा है कि इससे चार लड्डू भी बनना मुश्किल हो सकता है। ठीक है कम क्वांटिटी बना रही हूँ ना मैं, मेरे को डर लग रहा है ना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये भी मम्मी तो बोल रही थी बादाम काजू भी मत डालो, पर हम लोग ने वाला अगर बादाम काजू ही नहीं डाला तो फायदा ही क्या। गाइस मम्मी से घी ज्यादा हो जाता तो इसलिए अभी हम लोग ने और आटा डाला है उसके अंदर रागी का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है बढ़ते 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 ये एक बड़ी सी नहीं, अब नहीं, अब अगर जरूरत लगेगी तो बांधते वक्त ही अपन घी डालेंगे, बाकी इसको ऐसे ही भून लेते हैं। हाँ। ठीक है मेरे को लग रहा है कि थोड़ा घी और चाहिए पर नहीं फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैद ने कहा कि बढ़ते बढ़ते जो हो जाएगा वही वाला गेम ना हो जाए। जाके ये कुक होना शुरू हुआ है। हाँ। जल्दी जल्दी कुक हो खाने और जैसा लड्डू बांधने के लिए जितना घी भी चाहिए रहता है ना, ये अभी मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर शक्कर जाएगी पिसी हुई तो वो और गीला हो जाएगा। नहीं फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वो इसको समेट लेगा। हाँ भाई और ये जाएंगे अपने नट्स जाएंगे। इस मम्मी ने मुंह जलवा दिया मेरा गरम गरम खिलवा के। गाय देखे पूरी की जुबान जल गई मेरी। बेटा मैंने कुछ नहीं कहा था। मम्मी सब आपकी गलती है मम्मी। गाइस देखिए जो हम लोग ये रेसिपीज बनाते हैं ना स्वीट्स वाली, उसके लिए मीठी शक्कर होगा। मीठी शक्कर पीसीवी शक्कर होना जरूरी है, तो पीसीवी शक्कर खरीद लेने का गाइस अच्छी रहती है। बंद कर लिया है और ये डाल देंगे हमारे काजू बादाम एकदम। आप इसके अंदर नारियल भी डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे क्योंकि मेरी मर्जी। और इसको थोड़ा ठंडा करें, इसी के ऊपर ही मिला हिला के, तब आपके काजू बादाम भी और पक जाएंगे। और शक्कर तभी डालना जब आप प्लेट में निकाल लो, वरना आपका जो तवा या बर्तन होगा वो पूरा खराब हो जाएगा। वो खराब होएगा छोड़ो वो। अब गाइस इसको हम लोग उतार रहे हैं, अब इसमें मेन चीज डालेगी जो इसको लड्डू बनाती है शक्कर। अब गाइस हम लोग इसके अंदर शक्कर डालेंगे और एकदम मौज अच्छे से मिला डालेंगे और फिर तैयार हो जाएगी हमारे लड्डू। थोड़ी थोड़ी डाल के देख रही हूँ कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई एकदम महंगी वाली मिठाई है। ये वैसा ही हो रहा है जैसे गोंद के लड्डू बनाते हैं ना राजस्थान में, वैसे ही टाइप के है, पर ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। गोंद का लड्डू बट क्विकर। हाँ सही है गाइस, ये उसकी तरह भी मतलब उससे थोड़ा ज्यादा ही हेल्दी है समझ लो। ठीक है ये मोटे अनाज का है ना, गेहूँ का नहीं है। बात तो सही है, बात तो सही है। थोड़ा दाल भी डाल दो और हेल्दी हो जाएगा, और थोड़ा चावल भी डाल दो। इसको बहुत ठंडा होने से पहले हमको इसका लड्डू बनाना है। हल्का हल्का गर्म रहते हो, यही मेन असली अभी टास्क है। देखिए मम्मी थैली का यूज कर रही है लड्डू बनाने के लिए, मैं भी करूंगा एक बार। ओह माय गॉड बहुत ज्यादा गरम है। देखिए गाइस क्या बन गया है लड्डू। अब अगला वाला मैं ट्राई करता हूँ, फिर हाथ जल जाएगा, फिर बोलेगा मम्मी की वजह से मेरा हाथ जल गया। ठीक है थोड़ा ठंडा वाला ट्राई कर लूंगा मैं। गाइस हमारे यहाँ पे रोड बनना चालू हुआ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे ये लोग रोड बना रहे हैं, वो आ रही है मशीन जो रोड बनाने के लिए यूज होती है। देखिए गाइस हमारे यहाँ पे भी अब रोड बन रही है अच्छी वाली, बहुत टाइम बाद।
नाइस। बास भी आ रही है, मैं अंदर जाके मिलता हूँ आपसे। देखा ना आपने, हमारे यहाँ पे रोड बन रही है, यहाँ पे देखिए मम्मी और पापा भी देख रहे हैं रोड बनते हुए। मतलब रोड बनना नहीं हुआ, कोई तगड़ी बात हो गई है, सब लोग देख रहे हैं, मोहल्ले के भी लोग। बोर हो रहा था, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा मेरा। बोर हो रहा था, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा मेरा। बात तो सही है गाइस, टाइम पास तो हो रहा है मस्त रोड बनते हुए देखने में। तो देखिए हमारे यहाँ की रोड तो तैयार भी हो गई, एकदम मस्त चिकनी रोड बना रहे। रोड रोलर भी आया है आज, पर ये छोटा रोड रोलर फोन है ना, मेरे हाथ में अभी गिर जाता ना। देखिए बच्चे पड़ोस के ऐसे भाग रहे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो रोड पे ही चल रहे थे वो। देखिए उसको रोड वाले बनाने वाले को उसका काम ही नहीं करने दे रहे, रोड के बीचों बीच पूरा वॉकिंग सब चालू है उन लोग का। ये है एकदम भाई साहब जोरदार आ गया रोड रोलर, मुझे रोड रोलर बहुत पसंद है। देखिए गाइस फाइनली हमारे टमाटर के दो पौधे आ गए हैं, दो तीन है शायद से, मैंने उसके बाजू से घास हटा दी हूँ। मेरी आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? और अब हमारे टमाटर उगेंगे, अब इनने बड़े बड़े टमाटर खाएंगे हम, है ना आरिफ? और ये एक्स्ट्रा घास थी सब मैंने हटा दी, अब इसके आजू बाजू घास नहीं उगने देना, नहीं तो घास है ना उसको ग्रो नहीं होने देती है। ओ भाई साहब। और ये रहा हमारा झुमका बेल जो सूख भी रहा है, पीला भी पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। ये है हमारा मनी प्लांट जहाँ पर ग्रास अपना नौटंकी कर रही है। और ये खजूर,